आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहले ईमान को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम फ़ज़ाइल सूरत रहमान के बारे में बात करेंगे। सूरत रहमान हुस्ने इबारत और हुस्ने तर्ज के लिहाज से कुरान पाक की जीनत है। इस सूरत की तलावत में ऐसा अक्सर है कि सुनने वाले पर बेहद खामोशी और रकत तारी होती है, क्योंकि तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि यह सूरत अपने हुस्न इबारत और उम्दा तर्ज अदायगी में दुल्हन की तरह रास्ताओं पे रास्ता और मुज़य्यन है। उम्दा तर्ज अदायगी में दुल्हन की तरह रास्ताओं पे रास्ता और मुज़य्यन है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने इस सूरत की तलावत की तो सहाबा खामोश रहे। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे अच्छे तो जिन थे, जब भी मैं उनके सामने फाबी अय्या रब्बी कुमा तुकज़िबा पढ़ता तो वो कहते कि तेरी किसी नेमत के हम ना शुक्री नहीं करते। ये सूरत हर किस्म की हाजत रवाई के लिए बहुत अक्सर है। हाजत के लिए इस सूरत को 11 रोज़ तक रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। अगर किसी घर में मौजी जानवर रहते हों, यानी सांप, कनखजूरे, बिच्छू वगैरह, तो इस सूरत को 7 रोज़ तक रोज़ाना 7 मरतबा पढ़कर दम करके मकान की दीवारों पर छिड़कें, इंशाअल्लाह मौजी जानवर वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे।